आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में आपने बदलाव यात्रा की शुरुआत की, जिसके जरिए आप नेता लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं को रख रहे हैं। इसी कड़ी में ये बदलाव यात्रा सीनियर उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा के नेतृत्व में महम पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए अनुराग की भाजपा कांग्रेस मिली हुई है, भाजपा सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बदलाव यात्रा का शुभारंभ कैसा लग रहा है? देखिए, पूरे हरियाणा में बदलाव यात्रा चल रही है। आज महम भी इस बदलाव के साथ जुड़ गया। आज महम के लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि हम भी हरियाणा के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। क्यों ला रहे हैं लोग बदलाव, आप सोच के देखिए। कांग्रेस बीजेपी ये खेल खेल के परेशान हो गए लोग, लेकिन मूलभूत सुविधाएं कभी नहीं मिली। इसलिए अब लोग चाहते हैं आम आदमी का अपना राज बनाएंगे, अपनी सरकार खुद चलाएंगे और सारे काम अपने आप खुद करा लेंगे अपनी सरकार के अंदर। आप बोलते बिजली पानी फ्री पानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन इसके तीन दिग्गज नेताओं को ईडी के थ्रू जेल में पड़े हुए, इसमें क्या रहेगा? आपने कभी सोचा कि राहुल गांधी जेल क्यों नहीं जाते, सोनिया गांधी जेल क्यों नहीं जाती, भूपेंद्र हुड्डा जी जेल क्यों नहीं जाते? ये सब इसलिए जेल नहीं जाते क्योंकि ये बीजेपी के लिए खतरा नहीं है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बीजेपी भी ये मानती है। जैसे हमारी बदलाव यात्रा शुरू हुई, बीजेपी ने वीडियो जारी किया कि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा से मत सुन जुड़ना। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनके इस वीडियो को, लेकिन इससे ये पता चल गया कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए वो केजरीवाल जी को ख़त्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इनके चाहने से कुछ होता नहीं है। अंग्रेज भी चाहते थे शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा दो, फिर कौन आज़ादी मांगेगा, लेकिन उनके चाहने से कुछ हुआ नहीं, आज़ादी मिली। इसी तरह से जिसको जेल भेजना है भेज दो, जिसको गोली मारनी हो मार दो, जिसको लाठियां चलानी है चला दो। ये बदलाव होके रहेगा, हर हालत में होके रहेगा। और जहां तक बात है हमारे नेताओं के जेल में होने की, आप एक बात बताइए, 100 से ज़्यादा रेड कर चुकी हैं केंद्र सरकार की एजेंसियाँ, आज तक कहीं से 100 रुपये भी बरामद नहीं हुए किसी नेता के यहाँ से। इससे बड़ा ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्या होगा? ऐसे तो तानाशाही सरकार को जो करना है करने दीजिए, लोग इनको करारा जवाब देंगे। अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा सरकार से तंग हो चुकी है और अब वो भी बदलाव चाहते हैं। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जीत किसकी हो। महम से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।